हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत हो गया आप सब लोगों का एक नए मैच के प्रेडिक्शन वीडियो में। दोस्तों आज का मैच जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले एशियस टी20 ऑस्ट्रेलिया 2024 का मैच नंबर 31 जो कि खेला जाने वाला है SNA वर्सेस LOR टीम के बीच में। मुकाबला दोस्तों स्टार्ट होगा 1 सितंबर 12:30 यानी कि दोपहर के टाइम, और खेला जाएगा सीब्रान क्रिकेट ग्राउंड लोअर ऑस्ट्रेलिया के पिच पर, जहां पर रिसेंटली 30 मैच जो है कंप्लीट हुए गए ECS T10 ऑस्ट्रेलिया 2024 के, और आने वाले सभी मैच सेम वेन्यू पर खेले जाने वाले। तो आज किस मैच में दोस्तों हमारी मेगा ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग टीम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलेंगे, और फिलहाल दोस्तों 11 इंपोर्टेंट खिलाड़ी कौन से होंगे, फिलहाल पिच रिपोर्ट क्या होगी दोस्तों, बैटिंग पिच होगी या बॉलिंग पिच, स्पिनर या पेसर किसको ज्यादा विकेटें मिल सकती हैं, और ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी दोस्तों आज के इस मैच में कौन से हो सकते हैं, एंड फिलहाल मेगा ग्रैंड लीग स्मॉल लीग के लिए बेस्ट पिक कौन से खिलाड़ी होंगे, किसके ऊपर रिस्क लेना है, किसको ड्रॉप करना है, ये सारी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। हालांकि फ्री गिव अवे भी दोस्तों रहने वाला, आपको पता है कि इस चैनल पर सभी मैच के वीडियो में गिव अवे होता है, 4 गिव अवे विनर बनेंगे दोस्तों। कैसे, आपको वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन जो होता है उसको ऑल पे करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा है, क्योंकि वहां पे दोस्तों क्या है लास्ट टाइम के मैच के अपडेट, फ्री में मेगा ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम, और साथ साथ दोस्तों गिव अवे अनाउंसमेंट भी यहीं पर हो जाता है, जिससे कि मैं अपना कॉन्टैक्ट शेयर करता हूँ और आप लोग दोस्तों जो है आसानी से मुझे कॉन्टैक्ट करके अपना जो है गिव अवे प्राइज प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों करना क्या होता है गिव अवे में, आपको वही करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, और दोस्तों गिव अवे विनर वही बनेंगे जो भाई चैनल के मेंबर होंगे, ठीक है, मतलब जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। एंड फिलहाल एक कॉमेंट्स करना है जो भी दोस्तों आपके मन में हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस चैनल से रिलेटेड, फिर दोस्तों 4 कॉमेंट्स मैं पिक करूंगा जो मुझे सबसे बेस्ट लगने वाले, ठीक है, फिर मैं यहां पर शेयर करूंगा। अब दोस्तों बात करेंगे यहां पर फिलहाल पिच रिपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों आपको पता है कि सेम वेन्यू पर मैच हो रहा है सीब्रान क्रिकेट ग्राउंड। हालांकि दोस्तों ये पिच कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या होता है, लास्ट के कुछ मैचेस में अगर आप देखोगे फर्स्ट टीम बैटिंग करने वाली ने मैच को ज्यादातर विन किया है, ठीक है, चेस करने वाली टीम कहीं ना कहीं ऑल आउट हो रही है, या दोस्तों कहीं ना कहीं फर्स्ट बैट करने वाली टीम अगर 160-170 का स्कोर कर रही है तो वो चेस नहीं हो रहा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ये पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली रहेगी, मतलब बैट्समैन को यहाँ पे काफी अच्छी हेल्प मिलती है, और टोटल मैच यहाँ पे दोस्तों 30 कंप्लीट हुए, जिसमें जो टीम पहले बैटिंग करी उसने 18 मैच जीते और चेस करने वाली टीम दोस्तों 10 मैच जीते, 2 मैच यहाँ पे रनिंग है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 2-2 घंटे में तो मैच स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे पिच को देखते हुए मैं यही कहूँ कि आप एक्स्ट्रा बैट्समैन ऑलराउंडर लेकर के चल सकते हो आज के इस मैच में, कहीं ना कहीं वो आपके लिए काफी बेस्ट रहेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हेड टू हेड मुकाबलों की, तो अभी तक SNA वर्सेस LOR टीम के बीच में एक भी मैच नहीं हुआ, ये पहला T10 का मैच होगा, तो देखेंगे क्या कंडीशन हो सकती है। बाकी रिसेंट मुकाबले अगर आप देखोगे दोनों टीम दोस्तों 5-5 मुकाबले खेल करके आ रहे हैं, जिसमें कि SNA टीम ने भाई 2 मुकाबले जीते हैं और जो है 3 मुकाबले हारी हुई है। अगेन यहाँ पे LOR टीम 5 मुकाबले खेल करके आ रही है, जिसमें कि 1 मैच जीती है इस टीम ने, और दोस्तों जो है कहीं ना कहीं 4 मुकाबले टीम हार करके आ रही है। तो भाई यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों ही टीम काफी ज्यादा वीक है, दोनों तरफ से मगर कुछ ऐसे प्लेयर आपको मिल रहे हैं जो कि काफी बढ़िया है। बट दोस्तों एक चीज आपको यही बता दूं, कहीं ना कहीं इस मैच में 1 से 2 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो ट्रम्प कार्ड होंगे, तो भाइयों दोनों टीम कुछ खास करके नहीं आ रही है। हालांकि ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी कौन से होंगे जो कि लो सिलेक्शन रहने वाले, जिनको आपको ट्राई करना होगा, वो दोस्तों आगे देखेंगे और आगे जानेंगे समझेंगे। बट दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक ऐसी फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जहां पर दोस्तों रेगुलरली T10 के मैच में फ्री गिव अवे होता है, आप बिल्कुल फ्री में खेल सकते हो, बट दोस्तों जहां पर आपको फर्स्ट प्राइज 3500 से 4000 का मिलता है, और वहां पे दोस्तों कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम लोग खेलते हैं, तो जीतना आसान है, और वहां पे दोस्तों GST TDS जो भी होता है गाइस ना, वहां पे कोई फंडा ऐसा नहीं, ना ही विड्रॉल ना ही डिपॉजिट पे गाइस, इंस्टेंटली विड्रॉल 4 से 5 मिनट में दोस्तों डिपॉजिट आ जाता है और 4 से 5 मिनट में आपको जो है विड्रॉल हो जाता है गाइस, बिल्कुल बढ़िया एप्लीकेशन है। डाउनलोड कैसे करना है कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है आपको यह एप्लीकेशन का लिंक, तो जाइए फटाफट डाउनलोड करके रजिस्टर करिए और खेलना स्टार्ट कर दीजिए गाइस, जीतना बहुत आसान है। जैसे कि यहां पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करे गिव अवे के, तो आप लोग देख लीजिए यहां पे भाई रेगुलरली गिव अवे होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेट दिया था। बाकी बढ़ेंगे दोस्तों आगे, एंड फिलहाल यहां पे बात करेंगे हमारी टीम का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसको रखना है, किसको ड्रॉप करके चलना है। अगेन दोस्तों यहां पे देखिए SNA टीम, ठीक है, इस टीम का क्या बैटिंग ऑर्डर होगा, क्या बॉलिंग ऑर्डर होगा, कौन कौन से खिलाड़ी टीम में रखने लायक होंगे। जैसे कि दोस्तों इस टीम की तरफ से ओपनिंग जो होती है लखमल कस्तूरी और किसान दला पटादू के द्वारा दोस्तों, ठीक है, लखमल कस्तूरी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी अगर हम बात करेंगे तो सभी के टीम में रहने वाला है, 99% लोगों की टीम में होगा और ज्यादातर लोग इसको कैप्टन करने वाले, रिसेंट फॉर्म भी हालांकि गजब का,
है, जैसे कि 16+2 विकेट, 26+0, 22+1, 17+2 विकेट गए। कहीं ना कहीं ये खास बात इस खिलाड़ी की क्या है, ये दो ओवर करता है, ठीक है, दो ओवर भी करता है और फिलहाल ओपनिंग करता है, तो टीम में रखना होगा, कैप्टन वाइस कैप्टन आपको ट्राई करना होगा। बट दोस्तों मैं इस मैच में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको वाइस कैप्टन ट्राई करिएगा, क्यों, क्योंकि आपको रोटेशन इंपॉर्टेंट देना है यहाँ पे, ठीक है, आगे बताने वाला हूँ। बाकी टी10 करिए दोस्तों, 32 मैच में 417 रन है, 18 का औसत, 29 विकेटें भी हैं। लेकिन यहाँ पे किसान की बात करेंगे तो फिर इनका भी दोस्तों वही हाल है, दो ओवर ज़्यादातर मैचेस में कराएं, बट लास्ट मैच यहाँ पे देखोगे 12+1, उससे पहले यहाँ पे 6 रन बॉलिंग नहीं कराई थी, 4+1 विकेट, 43+1, 0+1 विकेट गई। टी10 करियर की बात करेंगे तो 5 मैच में 65 रन, 16 का औसत है, 4 विकेटें भी हैं। खिलाड़ी थोड़ा सा यूनिक है, टीम में ट्राई करने लायक होगा, बट दोस्तों आप जैसे यहाँ पे देख लीजिए बॉलिंग इसने नहीं कराई, ठीक है, तो क्या कंडीशन बनी कि सभी के टीम में था और वो सभी टीमें बाहर गई। बट दोस्तों आप इस मैच में भी इस खिलाड़ी के ऊपर रिस्क ले सकते हो, ऐसा नहीं है, मुझे उम्मीद थोड़ी सी ये भी लग रही है कि बॉलिंग के चांस कम होंगे क्योंकि सामने टीम उतना ज्यादा कंसिस्टेंट है नहीं, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे किसी को प्रमोट किया जा सके। तीसरे नंबर दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी रहेंगे जरन गिलजई, जो कि रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे 27 और यहाँ पे 11, 48, 35, 50 खिलाड़ी ठीक ठाक खेलता है और ज्यादातर मैचेस में दोस्तों ड्रीम टीम का हिस्सा रहा है। टी10 का 19 मैच में 307 रन दोस्तों, 27 का औसत है, खिलाड़ी गजब की बैटिंग करता है, तो रख सकते हो आप लोग। लेकिन यहाँ पे सत्यम सुभाष, जो कि इस मैच में काफी कम लोगों का सिलेक्शन होगा, बट मुझे उम्मीद है कि जहां तक इस मैच में आपको ड्रीम टीम का हिस्सा बनते हुए जरूर दिखाई देगा, क्योंकि उम्मीद इसलिए गई क्योंकि यहाँ पे अगर टीम पहले बैटिंग करेगी तो फिर मांग चलिए कि ये खिलाड़ी आपके लिए कुछ पॉइंट जरूर देगा, रन जरूर बनाएगा। हालांकि एक मैच में आप देख सकते हो कि ड्रीम टीम का हिस्सा ऑलरेडी रह चुका है 41+0, तो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी रहेगा, फोकस कर सकते हो। टी10 मैच 15, जिसमें दोस्तों 91 रन, 18 का औसत है और 8 विकेटें भी हैं गाइस। अगले खिलाड़ी यहाँ पर रहने वाला दोस्तों जामिल अब्रमकेल, जो कि राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर है, हालांकि ये खिलाड़ी को बैटिंग नहीं मिल रही है, ठीक है, दो मैच में लगातार, और जिन मैचेस में दोस्तों बैटिंग मिली है तो काफी लास्ट के ओवर में, तो फिर क्या ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो, तो ड्रॉप करने लायक खिलाड़ी होगा। और अगले खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पर रहने वाले सुमेर शेरगिल, जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट मीडियम पेस, इनका भी दोस्तों वही हाल है, तो मैं दोनों को यही कहूंगा कि आप ड्रॉप कर सकते हो। हालांकि दोस्तों एक चीज ये बताऊं कि अगर सामने टीम पहले बैटिंग करती है ना, स्कोर थोड़ा सा कम बनता है, तो यहां से ये दो खिलाड़ियों में से आप किसी के ऊपर एक्सेप्ट करिएगा कि कहीं ना कहीं वो प्रमोट होगा ऊपर बैटिंग करने के लिए। बाकी दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें शौकत कजी खेल की, जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म स्पिन बॉलर्स हैं, रिसेंट दोनों मैच दोस्तों बॉलिंग है, हालांकि विकेट नहीं मिली है, ध्यान रखिएगा। एंड टी10 करिए, दो मैच दोस्तों 16 रन है और 0 विकेट है, ठीक है, तो इस प्रकार के खिलाड़ी जो लो सिलेक्शन होंगे इनके ऊपर आपको फोकस करना है इस मैच में, क्योंकि सामने टीम में दोस्तों बैटिंग ऑर्डर उतना खास है नहीं, ठीक है, दो तीन बैट्समैन वहां पे भी आपको उसी प्रकार से मिल रहे हैं जो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, बाकी इस प्रकार के बॉलर जो बॉलिंग करा रहे हैं दो मैच में लगातार फ्लॉप हैं, तो उम्मीद इनके ऊपर आपको करना होगा दोस्तों, ठीक है। रहीम अहमद की बात करें, राइट बैट्समैन, राइट मीडियम पेसर है, 4+1 विकेट, उससे पहले इन्होंने खेला नहीं, हालांकि टीम सिलेक्शन की बात करें तो एज अ ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी आपके लिए बेस्ट पिक बन सकता है, क्योंकि दोस्तों एक मैच में फिलहाल 1 विकेट है। बाकी दोस्तों अगले खिलाड़ी आपको मिलेंगे बासित इकबाल, जो कि सभी मैच में कंसिस्टेंट है, खिलाड़ी को आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि अगर हम बात करें सामने टीम में, जो सामने वाली टीम से आपको प्लेयर मिलेंगे ना, तो वहां से कई कुछ इंपॉर्टेंट पिक आपको लेकर चलना होगा बॉलिंग सेक्शन से भी, जैसे कि यहाँ पे आपको बासित इकबाल मिले। अमित नथवानी की बात करें, ये खिलाड़ी देखिए लगातार कंसिस्टेंट था बट यहाँ पे फ्लॉप हो गया था, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना होगा कि दो में किसी को ऊपर अगर आप रिस्क ले भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी अगले खिलाड़ी यहाँ दिवित, जो कि विजेस केरा, जो कि राइट मीडियम पेसर हैं, लास्ट 5 मैचेस में दोस्तों 3 विकेट है, ठीक है, हालांकि सिलेक्शन बहुत कम होगा, आप ध्यान दे सकते हो। अगर यहां पे दोस्तों दो में किसी एक के ऊपर रिस्क लेते हो ड्रॉप करने का, तो इस प्रकार के छोटे सिलेक्शन वाले खिलाड़ी आपके काम आ सकते हैं। बाकी दोस्तों यहां पे जो सिलेक्शन निकल के आया, आपने देखा कि कहीं ना कहीं यहां पे टॉप जो है 3 तो आपको रखने हैं, बट यहां पे आपके जो टीम में बासित इकबाल और यहाँ पे अमित गनी, जो कि एक टीम में तो रख ही सकते हो, बाकी दूसरे टीम में आप दो में किसी एक को रखिएगा, फिर यहाँ पे विजेश केरा या दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे शौकत काजी खेल के ऊपर रिस्क ले सकते हो आप। बाकी दोस्तों बॉलिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो बॉलर्स रहने वाले हैं लखमल कस्तूरी और यहाँ पे जो है अमित नथवानी एंड यहाँ पे लखमल कस्तूरी, ठीक है, ये स्टार्टिंग में आएंगे और सामने टीम में जो स्टार्टिंग का भाई ऑर्डर मिल रहा है ना बैटिंग ऑर्डर, तो वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, बाकी जो मिडिल और डेथ के आने तो फिर कहीं ना कहीं कुछ खास नहीं सामने टीम से, तो फिर उस कंडीशन से भाई यहाँ के बॉलर्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, जैसे बासित इकबाल हो गए, रहीम अहमदी हो गए और दिवित विजेश केरा हो गए, ये प्लेयर जो है आपको मिल रहे हैं दिवित के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच के लिए, ठीक है, रहीम अहमदी और यहाँ पे विजेश केरा को मैंने बताया, तो इनके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे आप लोग खुद समझ जाओगे, यहाँ पे बेंच आप लोग देख लीजिएगा, इब्रमकेल और यहाँ पे फरहान मोहिद्दीन और यहाँ पे हमजा भट्टी, जो कि भाई कुछ खास खिलाड़ी है नहीं, हालांकि अगर आप यहाँ से किसी को कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हो तो भाई टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, कोई अगर आता है तो फिर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे एलओआर टीम आती है अब, तो यहाँ पे दोस्तों जो बैटिंग ऑर्डर है आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बाकी ओपनिंग होती है कुमुज्जा और सुनील दत्त के द्वारा, कुमुज्जा जो कि 34+0, 0+0, 45+3 विकेट, 29+3 विकेट, खिलाड़ी ये वाइस कैप्टन ज्यादातर लोगों का होगा, बट दोस्तों मैं प्रेफर करूंगा आपको कैप्टन के लिए, अगर आप मेगा ग्रांड लीग में चलते हो, थोड़ा सा आप यहाँ पे
जो कि दोस्तों यूनिक करके जाइए, रोटेशन करिए कैप्टन वाइस कैप्टन का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कस्तूरी को सभी लोग कैप्टन करेंगे बट आप उसको वाइस कैप्टन, इसको कैप्टन ट्राई करेगा, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे सुनील दत्त जो क्रिएटिव बैट्समैन विकेट कीपर है, हालांकि ऊपर की बैटिंग कर रहा है तो ट्राई करना होगा, क्योंकि दोस्तों सामने टीम से जो विकेट कीपर मिला है वो पांचवें छठवें नंबर पर आ रहा, तो ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं आपको रखना होगा। अगले खिलाड़ी यहाँ पर रहने वाले साहिल भाटी जो क्रिएटिव बैट्समैन लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, बॉलिंग लगातार दोस्तों दो ओवर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं कर रहे थे बट उससे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सभी मैचेस में बॉलिंग कर रहा है, ट्राई भी कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन का भी आपके पास ऑप्शन है। एंड अगेन यहाँ पे अगले खिलाड़ी जो रहने वाले मिजामिल उमर खेल जो कि राइट बैट्समैन ऑफ स्पिन है, आप दोस्तों यहाँ पे देखिए 28+1 और उससे पहले 31 रन, खिलाड़ी बढ़िया यूनिक है, ट्राई करके चलना है आपको। अगले खिलाड़ी यहाँ पे मिलने वाले मनदीप लाखा जो कि भाई रिसेंट अगर आप देखोगे 15 और यहाँ पे 0, यहाँ पे बैटिंग नहीं, यहाँ पे बैटिंग नहीं, यहाँ पे बैटिंग नहीं, हालांकि बैटिंग के चांस कब बनेगी जब ये टीम पहले बैटिंग करेगी, तो टर्म कार्ड अगर आप बनाना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो तो फर्स्ट बैट करते हुए। अगले दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी मिलने वाले गुरसेवक संधु जो कि राइट बैट्समैन राइट आर्म स्पिन बॉलर्स हैं, अब दोस्तों यहाँ पे एक मैच में इनको ना ही बॉलिंग मिली थी ना ही बैटिंग, उससे पहले 11+1, यहाँ पे 1+0, यहाँ पे दो मैच लगातार दोस्तों बॉलिंग बैटिंग नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्क की बात करें तो मैं कहूँगा कि आप ड्रॉप करके चलेगा, इतना रिस्क आपको लेकर के नहीं चलना। अगले खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पर रहने वाले मेहंदी बेंगेस जो कि फिलहाल अगर आप देखोगे तो 30 और यहाँ पे 23, ये खिलाड़ी की बैटिंग प्रमोट होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं बैटिंग से प्रमोट होता है, जो कि मेहंदी बेंगेस है आपको ऊपर भी बैटिंग करते नजर आ सकते हैं, यहाँ पे भी तीसरे और चौथे नंबर पे भी, तो थोड़ा इसके ऊपर फोकस करना होगा। ड्रीम टीम बनाना चाहते हो मेगा ग्रैंड लीग की तो बिल्कुल आपको ट्राई करना होगा। वासिफ सलूजा दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो भाई ये जो तीन मैचेस खेले जिसमें 2 विकेट हैं, यहाँ पे 0 विकेट, इस प्रकार के खिलाड़ी काम आ सकते हैं इस मैच में, बिल्कुल फोकस करना है आपको। यावर अब्बास की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 3 मैच में 2 विकेट हैं, ये खिलाड़ी भी यूनिक है, इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो। एंड यहाँ पे प्रवीण सुरेश की बात करेंगे तो ये खिलाड़ी थोड़ा सा ऐसा है कि बॉलिंग बैटिंग के चांस नहीं बनते, ड्रॉप कर सकते हो आप। अगले खिलाड़ी यहाँ पे अविनाश असूर्या जो कि दोस्तों लगातार कंसिस्टेंट है, 2 विकेट यहाँ पे, 1 और यहाँ पे 3, 1 और यहाँ पे 4, इस प्रकार के खिलाड़ियों को आप सीबीसी का रिस्क भी ले सकते हो। दोस्तों एलओआर टीम तरफ से जो बेंच रहने वाला है एंथोनी लार्क और यहाँ पे पेगम उमारी और यहाँ पे इमरान एडिनलकर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पेगम उमारी एक अच्छा खिलाड़ी अगर आता है तो ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो आपको एंथोनी लार्क थोड़ा सा बैटिंग आपको नीचे देखने को मिली थी, हालांकि इसने लाइनअप ली थी स्टार्टिंग के मैचेस में। और इमरान एडलियर की बात करेंगे तो इस खिलाड़ी के पास कुछ खास है नहीं, तो अगर आता है तो ड्रॉप आप लोग कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुमुज्जा, ठीक है, अविनाश सूर्या कहीं कहीं डेथ के बॉलर्स होते हैं एलओआर टीम तरफ से, स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जो कस्तूरी मिल जाते हैं बॉलिंग करते हुए, ध्यान रखना आपको। बाकी दोस्तों टीम का प्रयोग जो रहने वाला है यहाँ पे एक टीम का प्रयोग आप लोग देख सकते हो, कैप्टन हमने रोटेशन किया है, कुमुज्जा को हमने कैप्टन किया है, लकमल कस्तूरी को दोस्तों हमने वाइस कैप्टन किया। विकेट कीपर दोस्तों यहाँ पे इस दत्त को तो रखना ही होगा आपको, ठीक है, क्योंकि भाई चॉइस है, ओपन कर रहा है या वन डाउन बैटिंग करेगा ये। और यहाँ पे बैटिंग सेक्शन दोस्तों गिलजई को हमने रखा है, बेंगेस को हमने रखा है, 2 ही मैचेस ने खेले, और यहाँ पे केदला पदराडू को रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑलराउंडर हमने इस बात को ट्राई किया, उमर खेल को रखा है, एंड यहाँ पे सूर्या बी इकबाल और यहाँ पे नथवानी को, ठीक है। अब दोस्तों जो लास्ट टाइम का अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, अभी के लिए एक टीम का प्रयोग आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे रोटेशन किया हुआ है। मेगा ग्रैंड लीग दोस्तों अगर आप खेलते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यूनिक करके चलना है, कुछ छोटे खिलाड़ी को अगर आप पिक करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी टीम का कॉम्पिटिशन कम होता है, या दोस्तों कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मांग चल रहे हो कि यहाँ पे कैप्टन की पिक ज्यादा होगा, वाइस कैप्टन यहाँ होगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप रोटेशन करके चलिएगा, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि ये लास्ट मैच में परफॉर्मेंस करके आ तो इस मैच में भी करे, ऐसी गलती आपको करना नहीं। हालांकि दोस्तों कुछ और ऑप्शन मैंने आपको बताएं, जैसे सूर्या हो गए, ठीक है, गिलजई हो गए, इनके ऊपर भी आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, इकबाल जो कि लगातार कंसिस्टेंट चल रहा है। हालांकि दोस्तों लास्ट टाइम के अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। एंड फिलहाल दोस्तों अगर आपने फ्री गिव अवे पार्टिसिपेट नहीं किया तो जरूर करिएगा।